तो आज की वीडियो में आप सभी को स्वागत है ड्राइंग डे टू में, जो कि आज की वीडियो में हम बनाएंगे इमेजिनरी आर्ट, जो कि सोच के ही ड्रॉ करेंगे और बेसिक तरीके से ही करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक पेंसिल और नोटबुक ले लीजिए और मेरे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने एक पेंसिल ले लिया है जो आप देख सकते हो और एक नॉर्मल सा इरेजर ले लिया है, तो अब हम ड्रॉ करेंगे नोटबुक पर। जैसे कि मैंने बोला कि हम सोच कर ड्रॉ करेंगे, जो कि इमेजिनरी आर्ट। मान लीजिए कि एक लड़की जो बारिश में छाते लेके खड़ी हो गई, हमें तो सेम टू सेम तो नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा। हम बस ये ड्रॉ कर रहे हैं, ना कि परफेक्ट हो ऐसा तो नहीं, बस ये प्रैक्टिस के लिए है। बस आप इसको मेरे हिसाब से ड्रॉ कीजिए, जो कि मैं सोच कर बना रहा हूँ। बारिश में छाते लेके खड़े है ऐसा मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ, जो कि ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। परफेक्ट तो नहीं होगा मुझे मालूम है, लेकिन हमें बस प्रैक्टिस करना है, जो कि ये जो छाते का डंडा है ना, इसको ड्रॉ करेंगे हम बिल्कुल सिंपल वे में, जो कि आप देख सकते हो नॉर्मली ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें सेम टू सेम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इसको परफेक्ट बनाना नहीं है, बस प्रैक्टिस वे में करना है, जो कि मुझे जितना पता है सिर्फ सोच के बना रहा हूँ, ना कि कहीं किस चीज़ को देख के ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ इसको हम बनाने के वजह यह है कि हमें हमारे आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, और हम कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, इसी वजह से हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी चाहिए हर वक्त। जैसे कि मान लीजिए एक
अगर मान लो मुझे एक बटरफ्लाई ड्रॉ करना है जो कि ऐसा दिखता हो, जो कि बेसिक तरीके से ये उसका टांग है या कुछ होता है, और मैं नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करूँगा जो कि आप भी ड्रॉ कर सकते हो। और हम एक ड्रॉ करेंगे जो कि एक घर छोटा सा, जो कि सोच के देख सकते हो आप। सिंपल तरीके से हम ड्रॉ ही करेंगे और कुछ नहीं। जो कि आप देख सकते हो, ये जो प्रैक्टिस है अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन करने के लिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि सिंपल वे में। अगर मान लीजिए तो मुझे कोई हंस बनाना है तो पहले तो ऐसे नॉर्मली बनाऊंगा, इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूंगा, जो कि आप देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ करूंगा मैं। ये है उसकी आंखें, और थोड़ा जानने के लिए मैंने इसको इसी पार्ट पर नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ आप सभी को समझाने के लिए। देख सकते हो आप, और इसमें जो मैं डिजाइन ऐड करूंगा अपने हिसाब से कुछ भी ऐड करूंगा। जस्ट लाइक ए पंख की तरह तो हमें बस सोचना है अपने माइंड में और उसको ड्रॉ करना है। वो परफेक्ट बने या ना बने कोई बात नहीं, हमें बस प्रैक्टिस करनी है उसी बेस में। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हमें हमारे ड्राइंग को परफेक्ट बनाने के लिए माइंड में सोचना होगा, और किस हिसाब से ड्रॉ करने से वो अच्छा होगा, तब जाके हम
कहीं पर भी कोई कहे तो ये बना के दिखाओ, कुछ भी बना के दिखाओ, तो हमें मोबाइल फ़ोन पर या फिर कहीं पर भी रेफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेफरेंस फ़ोटो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहे, क्योंकि हम हाउ टू ड्रॉ आईज, जो आंखें है उसको ड्रॉ करेंगे, और उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे और कितने तरह के एंगल होते हैं वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।